मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मूक। मूक के बारे में आज हमें पढ़ना है। मूक के बारे में मैं क्यों डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि जो भी हमारे नेट के पेपर हो रहे हैं उनमें मैंने देखा कि बार बार मूक से क्वेश्चन आ रहे हैं। हर पेपर में, हर पेपर सेट में मूक से पेपर उठाए गए हैं, इसीलिए आज मैं मूक के ऊपर डिस्कस करना चाहती हूँ। मूक में हम क्या क्या पढ़ेंगे, मूक है क्या, सबसे पहले तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम इसकी फीचर्स पढ़ेंगे, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, फिर हम पढ़ेंगे प्लेटफॉर्म, कहाँ से हम मूक के थ्रू एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, फिर इसके टाइप्स, और लास्ट में हम देखेंगे कि मूक के बेनिफिट क्या क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूक क्या है, मूक की फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ठीक है। मैसिव का मतलब क्या है, मैसिव का मतलब ये है कि इसमें हम मूक के थ्रू एक साथ 1 लाख से भी ज्यादा बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं। जैसे अब मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ ऑफलाइन, ठीक है, तो मेरे आगे 20 बच्चे बैठे हुए हैं, 20 बच्चों को मैं एक साथ पढ़ा सकती हूँ, क्योंकि ये छोटा रूम है, और अगर इससे ज्यादा, इससे बड़ा रूम है मेरे पास, तो मैं 100 बच्चों को एक साथ पढ़ा सकती हूँ ऑफलाइन में। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ऑनलाइन होता है सब कुछ, इसीलिए इसमें हम 1 लाख से भी ज्यादा बच्चों को एक साथ पढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए इसको मैसिव बोला गया है कि इसकी ईच सबसे ज्यादा, मतलब ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास इसकी रीच हो, एक्सेस हो। इसको ओपन क्यों बोला गया है, क्योंकि सब कुछ इसमें ओपन होता है, कोई भी बच्चा इसको आसानी से एक्सेस कर लेता है, ठीक है। ऑनलाइन ये एक वेब पेज के ऊपर होती है, इंटरनेट के थ्रू हम इसको पढ़ते हैं, इसके सारे कोर्स ऑनलाइन होते हैं, ठीक है। कोर्स इसमें कौन कौन से होते हैं, कोर्स इसमें होते हैं बीए के भी कोर्स होते हैं, अंडर ग्रेजुएट और एमए के भी सारे कोर्स इसमें होते हैं। तो ये है मूक की फुल फॉर्म, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि यह कंसेप्ट आया कब, यानी कि यह इंट्रोड्यूस कब हुआ। यह कंसेप्ट 2008 में इंट्रोड्यूस हुआ था। इससे पहले हम कैसे ऑनलाइन पढ़ाई करते थे, इससे पहले हम पढ़ाई करते थे OER। OER क्या है, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स। ओपन एजुकेशनल रिसोर्स से क्या मतलब है, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स का मतलब है जैसे हमने विकिपीडिया से कुछ पढ़ लिया, डाउनलोड करके हमने विकिपीडिया से कुछ पढ़ लिया, ठीक है, हमने कोई ब्लॉग्स पढ़ लिया, यूट्यूब से हमने पढ़ लिया, ठीक है। लेकिन वहां पे प्रॉब्लम क्या होती है, वहां पे प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे हमने पढ़ तो लिया, लेकिन अगर हमारा कोई डाउट होता है तो वहां पे उस डाउट को रिजोल्व करने वाला कोई नहीं होता, ठीक है, तो वहां पे ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन मूक में क्या होता है, मूक में वहां पे टीचर होता है, जैसे लाइव क्लास चल रही है और आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। तो इसीलिए ये क्या है, OER का रिप्लेसमेंट है, ठीक है। इसके बाद ये पॉपुलर हुआ 2012 में, इंट्रोड्यूस हुआ था 2008 में और पॉपुलर हुआ है 2012 में, ठीक है। इसके बाद हम इसका देख लेते हैं फीचर्स क्या क्या है, यानी कि करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। इसमें सारी क्लासेस लाइव होती हैं, लाइव क्लासेस का एक टाइम होता है, फिर इसमें नोट्स पीडीएफ के रूप में होते हैं, जो भी आपका कोर्स होगा उसके सारे नोट्स होंगे पीडीएफ के रूप में। इसमें रिकॉर्डेड वीडियो होती हैं, जैसे अगर हम लाइव क्लासेस नहीं ले सकते, लाइव क्लासेस का एक टाइम होता है, तो लाइव क्लासेस अगर हम नहीं ले सकते तो हम फिर रिकॉर्डेड वीडियो सुन सकते हैं। इसके बाद इसमें क्या होता है, असेसमेंट भी होता है, क्विज होते हैं, टेस्ट होते हैं, टाइम टू टाइम इसमें असेसमेंट भी होता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, पीयर ग्रुप के साथ अपने आइडियाज को हम क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और दूसरों के विचारों को हम सुन सकते हैं। अगर हमें कोई भी डाउट आता है तो डाउट भी क्लियर होता है, और उसके बाद लास्ट में जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो हमें सर्टिफिकेट भी मिलता है। ये इसके क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, इसमें ये सारी चीजें होती हैं। अब ये तो हमने देख लिया कि मूक में क्या क्या होता है, अब मूक के थ्रू हम एजुकेशन कैसे ली, तो ये कुछ प्लेटफॉर्म है मूक के। जैसे एक इंस्टीट्यूशन है, NPTEL, ये भारत का है और इसमें सारे एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। एक है इसमें कोर्सेरा यूएसए का है, एडिक्स भी यूएसए का है, और स्वयं हमारा है इंडिया का, UGC के द्वारा यह चलाया जा रहा है। स्वयं के बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अब इसमें हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मूक के कौन कौन से टाइप हैं।
मुख्य तीन टाइप हैं, एक COCK और एक सूप और एक स्पोक। ये बाद में डेवलप हुए हैं और ये मुख के ही छोटे रूप हैं। ठीक है, मुख के ऊपर बड़े लेवल पे काम होता है और इनमें छोटे लेवल पे काम होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं मुख के बेनिफिट्स क्या क्या है। मुख के बेनिफिट्स क्या क्या है, मुख में हायर एजुकेशन इम्प्रूव होती है। हायर एजुकेशन इम्प्रूव होती है इसमें, जैसे अगर हमें कोई भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना है या बीए का कोई भी, जैसे एमए का कोई भी कोर्स करना है, तो हायर एजुकेशन की हम शिक्षा ले सकते हैं। ठीक है, फिर ये अल्टरनेट है फॉर्मल एजुकेशन का। फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, जैसे हम कॉलेज में जाके पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ते हैं, स्कूल में जाके पढ़ते हैं, तो वो क्या होती है, फॉर्मल एजुकेशन होती है। कई बार क्या होता है, सभी बच्चे कॉलेज में जाके नहीं पढ़ सकते, तो ये उसका अल्टरनेट है, घर पे बैठ के हम अपनी शिक्षा पूरी कर सकते हैं। इसके बाद इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे है, जैसे कि मान लीजिए हमारी लाइव क्लासेस हो रही है 9 बजे से 12 बजे तक, और हम उस टाइम पे क्लासेस नहीं ले सकते, तो इसमें हमें रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगी और जब भी हमारा टाइम लगेगा हम उनको ले लेंगे, तो इसलिए इसमें क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है। सेल्फ पेसिंग कैसे है, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जब भी हमें टाइम लगता है और हमारी स्पीड के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, हम पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा मुख की बेसिक बातें मैंने आपको बताई। मुख क्या होता है, मैसी ओपन ऑनलाइन कोर्स होता है। ठीक है, और ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2008 में और पॉपुलर हुआ है 2012 में। रिप्लेसमेंट किसका है, OER का रिप्लेसमेंट है। OER क्या है, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स। फिर इसकी फीचर्स क्या क्या है, इसमें लाइव क्लासेस चलती हैं, नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो होती है, असेसमेंट यानी कि इवैल्यूएशन होता है टाइम टू टाइम। फिर इसमें पीयर ग्रुप के साथ हम अपना व्यू शेयर भी कर सकते हैं, डाउट भी क्लियर किए जाते हैं और सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, फिर कुछ इसके ये प्लेटफॉर्म है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म है, MPTEL है, Coursera है, EDX है, स्वयं है, इन सब पे जाकर हम मुख के थ्रू अपना कोर्स पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था, उम्मीद करती हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे कि UGC की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, NCTE की फुल फॉर्म क्या है, NAAC NAC की फुल फॉर्म क्या है, SCERT की फुल फॉर्म क्या है, NCERT की फुल फॉर्म क्या है, ये सब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना और वीडियो के बारे में भी शेयर करना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, थैंक यू।